नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य और राहु के बीच में अब जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो बनी हुई थी वो खत्म हो चुकी है। सूर्य राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और अब सूर्य पर शनि की दृष्टि भी नहीं है और सूर्य ने अपने घर की तरफ से एक नया कदम बढ़ा दिया है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है और वृषभ के बाद मिथुन और कर्क कवर करके सूर्य अपने घर में प्रवेश करेंगे। सो यहाँ पर ये जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट और इवेंट हुआ है, सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन हुआ है, ये चंद्र ग्रहण के ठीक एक दिन पहले हुआ है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि देश और दुनिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज एक बार ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर के उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे तीन दिन में तीन ग्रहों ने यहाँ पर बहुत सारा परिवर्तन करके एक नया ट्विस्ट खड़ा किया है। अब यहाँ पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य के इस राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आप सभी को क्या बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हर ग्रह अपना अपना काम करता है, कुंडली का हर ग्रह पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेशंस यहाँ पर साथ में रखता है। आज जो हम बात करेंगे वो सूर्य की वजह से आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं या सूर्य के इस राशि परिवर्तन की वजह से आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगला वीडियो जो आपका मेरे को आपको देखने को मिलेगा मेरा कल सुबह, वो रहेगा मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, मंगल की वजह से क्या फायदा मिलेगा नुकसान मिलेगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं यहां पर मेष राशि से। मेष राशि, उससे पहले आपको बता देता हूं आपकी कुंडली के चंद्र राशि के आधारित ये राशियों के नाम ले रहा हूं मैं, तो आप अपनी कुंडली में मून साइन देखिएगा और उसकी राशि देखिएगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मेष राशि के लिए समय कैसा जाने वाला है? देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा पॉजिटिव समय यहाँ पर रहेगा, क्योंकि सूर्य जब तक राहु के साथ थे उतना बेनिफिट नहीं दे पा रहे थे, बट अब तो भर भर के बेनिफिट देंगे और अब अपना जो बकाया काम था वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मेष राशि के लटके हुए काम पूरे हो जाएंगे, जो काम अटक रहे थे, जिन कामों को लेकर के फायदा नहीं मिल पा रहा था, वो काम अब आप जो है पूरे कर सकते हैं। मेष राशि, बड़े आराम से आपको फायदा मिल जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि को क्या बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाला है? देखिए, वृषभ राशि के लिए ये जो समय है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश किए हैं और इस समय आपका जो राशि का जो लॉर्ड है वो उच्च का बैठा हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर का इंतजार आज आपको है वो आपको पूरा हो सकता है, अच्छी खबर आपको मिल सकती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा काम आप कर सकते हैं, इसके पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप सभी को कहीं ना कहीं अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और कोई काम जिसको काफी समय से कर रहे थे और अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे थे, वो रिजल्ट्स भी अब यहाँ पर आपके आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं रहेगी। बात करते हैं यहाँ पर मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए जो समय है ये नई अपॉर्चुनिटीज को देखने का समय है, नए रास्तों को खोजने का समय है, परेशानियों के सॉल्यूशंस निकालने का समय है और ये समय अपने आप को बैलेंस करने का है, क्योंकि एक महीने बाद सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। सो बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है मिथुन राशि के लिए। सूर्य की वजह से तो आपको फायदा है, सूर्य आपकी कुंडली में कहीं कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं। बात कर लेते हैं यहां पर कर्क राशि के लिए। कर्क राशि जिसमें शनि की ढैया चल रही है और कर्क राशि में ही यहाँ पर सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कर्क राशि में क्या है, अभी का जो समय है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। कर्क राशि में सूर्य का जो प्रभाव है, जो रिजल्ट है, वो थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ, मेहनत के साथ आपको रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए कर्क राशि वालों को थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। कर्क राशि के बाद आता है आपका सिंह राशि। सिंह राशि के लिए ये समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव समय यहाँ पर निकल के आता है, इंपॉर्टेंट समय है सिंह राशि के लिए। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको अपने जीवन में लेने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा भी मिलेगा। प्रॉपर्टीज परचेज करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है सिंह राशि, आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं।
इसके बाद यहां पर देख लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय है ये थोड़ा सा सावधानी रखने वाला समय है। कन्या राशि वालों को कहीं ना कहीं सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखना है। सेहत में आपको परेशानी रहेगी और वहां पर आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप में अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए ये जो समय है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत रहने का समय है, मन को शांत रखने का समय है, बैलेंस रखने का समय है और साथ ही साथ स्पिरिचुअल तरीके से अपने आप को एक्टिव करने का समय है। आप अध्यात्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं और कहीं यात्राएं करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपके लिए काफी ज्यादा उत्तम समय यहां पर चल रहा है। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए ये जो समय है ये काफी ज्यादा स्ट्रगल है और काफी ज्यादा मेहनत है। मेहनत के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाते समय पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, लोगों से उलझने से बचिएगा तो आपको फायदा ज्यादा मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए ये जो समय है ये काफी ज्यादा पॉजिटिव समय यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। खासकर वो सभी बच्चे जो धनु राशि के हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो काफी ज्यादा अच्छा समय है। आप सभी को लाभ मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा ये समय काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग जाता है। ये जो महीना है एक महीना, मकर राशि वालों को सूर्य की तरफ से कोई राहत यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि मकर राशि वालों को सूर्य कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अटका के रखेगा। थोड़ा सा चीजें जो हैं वो ब्रेक सी लगेंगी और आप कोशिश करने के बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस अभी आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके काम अच्छे से चलते हुए नजर आएंगे। तो जल्दबाजी मत करिएगा, परेशान मत होइएगा, आराम से रिलैक्स रह करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी खबर है, शनि की 7:30 चल रही है, ऊपर से सूर्य का ये जो ट्रांसिट है ये आपके लिए बेनिफिट्स लेकर के आ रहा है, तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। यहां पर देखा जाए कुंभ राशि, आपको प्रॉफिट मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा आपको जरूर उठा लेना चाहिए, आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। मीन राशि के लिए भी ये जो समय है ये काफी ज्यादा फेवरेबल समय है। शनि की 7:30 शुरू हुई है, लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी, शादी नहीं हुई है, शादी होने के योग यहां पर बनेंगे और साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स यहां पर निकल के बनते हुए दिखाई देंगे। कोई नया काम आप सर्च कर रहे हैं तो मिल जाएगा, कोई नया रास्ता देख रहे हैं तो आपको मिल जाएगा और आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 12 ही राशियों के लिए सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है ये काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देने वाला है। कुछ राशियों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बट काफी कुछ अच्छे रिजल्ट्स ही आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो सूर्य की इस राशि परिवर्तन से आप सभी को बेनिफिट्स मिलेगा और आप सभी को रिलैक्स रहने की यहां पर जरूरत है। उपाय के रूप में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत मामूली सा उपाय करना है, डेली सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाइएगा और जल चढ़ाते समय पानी में कुमकुम मिला दीजिएगा अगले एक महीने तक, आपको अच्छा बेनिफिट यहां पर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।